बड़ी खबर इस वक्त निर्भया केस से जुड़ी हुई है, जहां पर गृह मंत्रालय ने दोषी की दया याचिका राष्ट्रपति को भेजी है। दोषी मुकेश सिंह की दया याचिका राष्ट्रपति के पास पहुंची है। वहीं निर्भया की मां ने दोषियों के पास हजार विकल्प हैं, यह आरोप लगाया है और कहा है कि मैं इसकी सजा भुगत रही हूं। तो निर्भया केस से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्रालय ने दोषी की दया याचिका को राष्ट्रपति के पास भेजा है और राष्ट्रपति इस दया याचिका पर फैसला लेंगे और उसके बाद जो तारीख है वो यहां पर सामने आएगी। तो निर्भया की मां ने यहां पर अब आरोप लगाए हैं, जिस तरह से दोषी की दया याचिका राष्ट्रपति के पास भेजी गई है, उनका कहना है कि दोषियों के पास हजार विकल्प है और मैं सजा भुगत रही हूं। अमित दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, इस केस को लेकर देखिए तो जितना राहत ली जा रही थी तारीख आने के बाद, 22 जनवरी की तारीख आने के बाद, लेकिन कानूनी पेच ऐसे हैं जिससे कहीं ना कहीं ये केस अनसुलझा नजर आ रहा है। अब निर्भया की मां ने भी यहां पर आरोप लगा दिए हैं कि हजार विकल्प है, कानून उनको हजार विकल्प दे रहा है दोषियों को, लेकिन ये पूरी सजा जो है वो मैं अकेले भुगत रही हूं। जी बिल्कुल, देखिए 7 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है और अब तक फांसी नहीं मिली, और ऐसे में जिस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की गई हो, तो जाहिर तौर पे निर्भया की मां का ऐसा बोलना लाजमी है। लेकिन प्रोसीजर जो है खासतौर पे जो है वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। ना सिर्फ दिल्ली सरकार ने पहले फाइल को कैंसिल किया, रिजेक्ट किया, उसके बाद LG के पास भेजी गई, LG से गृह मंत्रालय को भेजी गई, और आज गृह मंत्रालय ने भी मुकेश की याचिका को खारिज करके इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है। यानी अंतिम डिसीजन जो है वो राष्ट्रपति को लेना, और राष्ट्रपति के पास ये दया याचिका भेज दी गई है कि बहुत जल्द से जल्द जो है राष्ट्रपति भी अपना डिसीजन इस पर दे देंगे। जी यानी कि अमित, राष्ट्रपति का जो आदेश होगा इस याचिका को लेकर, उसके बाद ही जो है तारीख वो सामने आएगी। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि दोषियों के पास इस तरह किसी को भी फांसी होती है तो उन लोगों के पास इस तरह का विकल्प होता है कि राष्ट्रपति से दया याचिका की गुहार लगाते हैं, और यही वजह है कि राष्ट्रपति के पास एक याचिका, यानी सिर्फ मुकेश ने अपनी याचिका भेजी है। अब मुकेश की राष्ट्रपति के यहाँ जब दया याचिका खारिज हो जाएगी तो उसके बाद जाहिर तौर पर अदालत अपना स्टैंड ले सकेगी। हालांकि अभी भी सूत्र मानते हैं कि 22 तारीख को फांसी नहीं हो सकती, जिस तरह से दिल्ली सरकार के वकील का बयान कल आया और उसके बाद लगातार इसे लेके राजनीति भी तेज हुई, लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट में चूंकि आप सुनवाई होनी तो जाहिर तौर पर कोर्ट को भी इस तरह के डिसीजन लेने में आसानी होगी। जी चलिए, धन्यवाद आपका अमित तमाम जानकारियों के लिए। तो दोषियों के पास हजार विकल्प हैं, लेकिन मैं सजा भुगत रही हूं, ये आरोप निर्भया की मां ने लगाए हैं। बता दें कि गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका जो आरोपी मुकेश की है उसको भेजा है, और इस पर निर्णय अब राष्ट्रपति लेंगे। तो 22 जनवरी की तारीख पहले कोर्ट की तरफ से तय की गई, लेकिन अभी जिस तरह से कानूनी पेश यहां पर सामने आ रहे हैं उससे फिलहाल इस तारीख को लेकर संशय बना हुआ है। इंतजार फिलहाल अब दया याचिका को लेकर जो राष्ट्रपति के पास भेजी गई है, और राष्ट्रपति उस पर अपना फैसला देंगे और इसके बाद अगली तारीख यहां पर सामने आएगी। तो दोषी मुकेश सिंह की दया याचिका को राष्ट्रपति के पास भेजा गया है, और जितना वक्त इस केस को सुलझने में लग रहा है, जितना वक्त फांसी इन आरोपियों को देने में लग रही है, उसके बाद निर्भया की मां यहां पर आरोप लगा रही है और कह रही है कि हजारों विकल्प हैं दोषियों के पास, लेकिन ये सजा मैं भुगत रही हूं। तो निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस की दोषी मुकेश की दया याचिका को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति के पास भेजा है, और ये जानकारी गृह मंत्रालय की सूत्रों के हवाले से आई है। बता दें कि गुरुवार को दिल्ली के उपराज्यपाल दोषी मुकेश की दया याचिका खारिज करने की गृह मंत्रालय से सिफारिश की थी। निर्भया मामले में 4 दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई है। उन 4 अभियुक्तों में से एक मुकेश सिंह ने कुछ दिन पहले दया याचिका दायर की थी।